Congress poses a greater threat than the cyclone Dana. हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय सेठ जी, हमारे यशस्वी विधायक समरी लाल जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार कांके से आदरणीय जीतू चरण राम जी, मांडर से आदरणीय सनी टोपो जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज संघर्ष का संघ हमने फूंका है। जेएमएम और कांग्रेस की बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 5 साल में इस गठबंधन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज रात में आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी, राजधानी रांची में एक बहन के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है। 7,400 बलात्कार हुए बहन और बेटियों के साथ इस सरकार में। हमारी कई बहनें रूनिका पहाड़िया जैसी काट काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई है। मां बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। बताओ, जिस सरकार में बेटी का सम्मान सुरक्षित ना रहे उस सरकार को उखाड़ोगे कि नहीं? या बेटी रोटी माटी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, लूट मची है। लूट 350 करोड़ रुपया बरामद हो रहे हैं मंत्रियों के, कांग्रेस के सांसदों के यहां से, जेएमएम के नेताओं के यहां से। कभी आपने 100 करोड़ रुपया भी देखा है क्या इकट्ठा? लेकिन नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये पूरे झारखंड को बेच के खा गए हैं। ये रेत बालू पत्थर गिट्टी कोयला सब खाने वाले लोग हैं। बताओ, इन भ्रष्टाचार की लंका को जला के राज करना है कि नहीं? इस भ्रष्टाचार की लंका को जलाना है। नौजवानों को न्याय दिया क्या इस सरकार ने? ये हेमंत सोरेन की सरकार कहती थी 5 लाख नौकरी देंगे, बताओ मिली क्या किसी को?